आप देख रहे हैं असम हलचल, मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। राजस्थान की बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त युवक की मौत, बयारा के राजकीय अस्पताल में चल रहा था युवक का इलाज। वर्षों से पुराने सड़क गड्ढों में तब्दील, आमजन को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। पुलिस ने किया अवैध बजरी से भरे दो डंपर जब्त, अवैध बजरी खनन माफियाओं में मचा है हडकंप। किसान फसलों को गुजरात में ले जाकर बेचने को है मजबूर, किसानों को कृषि मंडी का नहीं मिल रहा है फायदा। और अब रुक कर लेते इस वक्त की राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। यह कल्पना करना कितना असहज कर देता है कि कोई रोग व्यवसाय से संबंधित होता है, लेकिन यह सच है। सिलिकोसिस नामक रोग व्यवसाय से संबंधित होता है जो कि धूल में मौजूद सिलिका के कणों के कारण मनुष्य में हो सकता है। भले ही इस रोग के बारे में आज बात की जा रही हो, लेकिन यह रोग अत्यंत पुराना है। यह रोग क्षेत्र विशेष में नहीं सिमटा होता, बल्कि यह पूरे विश्व में व्याप्त है और हर साल इसके चलते हजारों लोगों की जाने जाती है। बयाना के राजकीय अस्पताल में आज एक बीमार मजदूर युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक युवक रुदावल थाना क्षेत्र के गांव हरनगर वैतपुरा निवासी दामोदर जाटव पुत्र रामजी लाल बताया जा रहा है, जो काफी समय से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित था। जालौर जिले के बागोड़ा पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे दो डंपर जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल चूनाराम ने जैसावास रोड पर एक डंपर और दूसरा डंपर दादाल चौराहे पर अवैध बजरी से भरा जब्त किया है और अवैध डंपरों को थाने लाकर खनिज विभाग को सूचना दे दी। वहीं इस कार्रवाई से अवैध बजरी खनन माफियाओं में हडकंप मच गया है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन जोरों से चल रहा है। ऐसे में राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। भीनमाल नगर स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान वारा श्याम मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया है। वहीं लोगों द्वारा देर रात तक मंदिर में कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को लेकर लोगों ने खासा उत्साह के साथ भजनों की प्रस्तुतियां दी है और भगवान कृष्ण की झांकी को आकर्षक रूप में सजाया गया है। वहीं देर रात लोगों ने भगवान कृष्ण को मिठाई का भी भोग लगाया है। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में मात्र दो दिन शेष है। वहीं चुनावी समर में छात्र संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भीनमाल महाविद्यालय के चुनावी रथ में NSUI और ABVP के द्वारा महाविद्यालय के छात्रों को निछाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ABVP ने दीपक देवासी को चुनावी मैदान में उतारा है तो NSUI ने हरीश चौधरी को मैदान में उतारा है। निर्दलीय प्रत्याशी भरत कुमार भी चुनावी समर में कूद पड़े हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आपको बता दें कि चारों पदों पर कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कॉलेज के कुल 1619 मतदाता इन छात्र नेताओं का भविष्य तय करेंगे। महाविद्यालय इस तरीके का महाविद्यालय शायद आपको इतना सुंदर भवन, इतने सुंदर स्टाफ की व्यवस्था। लाठी कस्बे में कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से मनाया गया है। जन्माष्टमी के पर्व पर एक और जहाँ मंदिरों और घरों में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहीं कस्बे के भगवान कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो देर शाम तक लगातार जारी रहा है। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। वहीं भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया है। कार्यक्रम के दौरान रात्रि में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, कबड्डी प्रतियोगिता, चेयर प्रतियोगिता, कान्हा मटकी प्रतियोगिता,
कृष्ण भजन सहित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय के जालेरा कला गांव में पिछली गहलोत सरकार ने जो कृषि उपज मंडी करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई थी, उसमें आज कटीली झाड़ियां उग गई हैं। वहीं भवन में भी दरार आने लगी। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की अनदेखी के चलते किसानों के हक में खड़ा रहने को कोई तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर किसान अपनी फसल बेचने जाए तो उसका गुजरात 100 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ता है। वहीं उनके आने जाने में किराए में फसल का पैसा लग जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को इस और कदम उठाकर किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। झालावाड़ जिले के गंगाधार उपखंड क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। चौमला कस्बे में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सत्यनारायण मंदिर में आकर्षक सजावट और राधा कृष्ण मंदिर, गायत्री मंदिर, दुर्गा मंदिर, राम मंदिर में भी भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। वहीं सभी मंदिरों में रात्रि 12 बजे तक भजन कीर्तन का दौर चला। इस दौरान रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक और महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान कृष्ण सुदामा नाटक का मंचन भी किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में पिछले 9 दिनों से एक मां का इकलौता बेटा लापता है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस लापता बेटे को तलाशने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी हां, चिड़ावा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 निवासी पवन योगी का 114 वर्षीय बेटा प्रशांत योगी 17 अगस्त को सुबह घर से निकला था। देर शाम घर नहीं लौटने पर चाचा ने चिड़ावा थाने में 18 अगस्त को छात्र के लापता होने के मामले में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन बीते 9 दिनों के बाद भी पुलिस लापता छात्र को नहीं ढूंढ पाई है। इधर लाचार मां की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिरकार चिंतित मां ने मीडिया से बेटे को तलाशने में मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में जांच अधिकारी दिलीप पुनिया ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि बच्चे की तलाश के लिए पुलिस ने 3 जिलों में लापता छात्र की जानकारी भेजकर सहयोग मांगा है। उन्होंने बताया कि सीकर, चूरू सहित हरियाणा के लोहारो पुलिस को लापता छात्र की जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा जगह जगह गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए गए हैं। फिर भी लापता प्रशांत योगी का कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में परिवार काफी चिंतित है। अब देखना होगा कि लापता छात्र प्रशांत योगी को कब तक पुलिस ढूंढने में कामयाब होती है। मेरे बच्चे 17 तारीख से लापता है और पुलिस से कोई कार्रवाई, पुलिस भी तो कोई सुराग नहीं। तो बच्चा का मीडिया से है कि मेरे बच्चे ढूंढने में मदद करे, सब लोग परिवार किसान इकट्ठे भी सब जगह में तो कोशिश करते। 14 साल का दूसरी क्लास में है और कोई पढ़ाई भी कमजोर को नहीं, सही सहार है भाई। स्कूल में भी रोजाना प्रेजेंट एबसेंट करेंगे तो फिर तो मीडिया सही है, कोई सुराग नहीं। सर, ये प्रशांत नाम का लड़का है, 17 अगस्त से लापता है सुबह 10 बजे से, और हमने पूरी रिश्तेदारों से पता किया है और अपने बेस पे हम हर जगह उसको तलाश रहे हैं, अब तक उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हम तक वो तहकीकात कर रहे हैं, अभी कहां तक उनकी तहकीकात पहुंची है क्या करना उसका सर हमें कुछ वो नहीं है। ब्रह्म कुमार जी संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासक राजयोगिनी प्रकाशमणि की 12वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सहित पूरे देश विदेश में लाखों लोगों ने ध्यान साधना कर पुष्पांजलि कर विश्व बंधुत्व की कामना की है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में दादी प्रकाशमणि की समाधि स्थल प्रकाश स्तंभ पर
संस्थान संयुक्त मुख्य प्रशासनिक राजयोगिनी ईशुदादी महासचिव पी के निवेर, कार्यक्रम प्रबंधिका बी के मुन्नी, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बी के करुणा ने दादी की समाधि स्थल का प्रकाश स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, ज्ञानमृत के प्रधान संपादक बी के आत्म प्रकाश, सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बी के भरत समेत तो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं। अखिल भारतीय गुर्जर गोंड ब्राह्मण महासभा की कार्यकारिणी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक पुष्कर में आयोजित हुई है, जिसमें समाज में अच्छे कार्य, समाज का नाम रोशन करने वाले लोगों का सम्मान किया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश रनेजा का सम्मान हुआ है और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान दिया गया है। सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम जोशी द्वारा और महाराष्ट्र प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल उपाध्याय द्वारा किया गया है। उपखंड मुख्यालय बाप सहित ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई वर्षों पुरानी डामरीकरण सड़कों का खस्ता हाल हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में बनी अधिकांश सड़कें टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। भाजपा जांबा मंडल महामंत्री कृष्णपाल सिंह भाटी और कृषक मित्र महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक सिया राम बिश्नोई जांबा ने बताया कि ग्राम पंचायत कल्याण सिंह की सेठ से गुड़ा जाने वाली टामर सड़क जगह जगह से टूटकर गड्ढों में तब्दील हो चुके। टूटी सड़क के कारण आमजन के साथ साथ वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार कानसिंह की सिंह से जांबा जाने वाली संपर्क सड़क का भी यही हाल हो चुका है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर टूटी सड़कों को शीघ्र मरम्मत करवाने की मांग की है, ताकि आवागमन में असुविधा ना हो सके। श्री महावीर जी कस्बा स्थित निजी स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर नन्हे बालकों ने कस्बे में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें नन्हे नन्हे बालकों ने बाल कृष्ण की मनोहर झांकियां बनकर शोभा यात्रा में प्रस्तुतियां दी है। दिगंबर जैन अतिशयन क्षेत्र के महाश्री महावीर जैन मुख्य द्वार के पास सर्व समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत कर जोर शोर से शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर रजनी योगी, महेंद्र योगी, शिवानी जैन, पूजा भारती भी मौजूद रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनने पर राजस्थान के 12 हाड़ौती के 12 जिले किलवाड़ा ग्रामीणों की ओर से दिल्ली में संसद लोकसभा अध्यक्ष बिरला को फूल गुलदस्ता उनके आवास पर भेंट कर मुलाकात की है। जब अध्यक्ष महोदय ने कोटा 12 हाड़ौती क्षेत्र से आए कस्बे के जन प्रतिमंडल से बड़े ही सरल स्वभाव से मुस्कुराते हुए बैठक हॉल में दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं के सामने कहा, अरे वाह, मेरे हाड़ौती क्षेत्र से मेरे अपने आए हैं, और हंसते हुए उन्हें गले लगा लिया। ऐसे सरल स्वभाव के श्री ओम जी बिरला से काफी समय तक चर्चा हुई है। फिलहाल राजस्थान हलचल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।